नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल भगतजी प्रोडक्शन में स्वागत है। आज हम पुणे आगरा जिला के तहसील बहा में पहुंचे हैं, जहां संत रामपाल जी महाराज का एक विशाल सत्संग समारोह एक मैरिज होम में चल रहा है। और वहां पर हम पहुंचे हैं जहां दीक्षित मैरिज होम बना हुआ है, और वहां पर पूरी कवरेज करने के लिए हम पहुंचे। और वहां किस प्रकार का संत रामपाल जी महाराज का सत्संग होता है आप देख सकते हो। वहां पर इनके बैनर लगाए जाते हैं, और बैनर जो उनका ये दीक्षित मैरिज होम है उसके बाहर इस प्रकार का यहाँ पर उनके बैनर लगे हुए हैं, कबीर साहब और संत रामपाल जी महाराज के। उसके बाद आगे की आपको जो सत्संग स्थल है वहाँ पूरा उनका सत्संग चल रहा है। आप हमारे इस वीडियो में अंत तक देखते रहें, हम आपको पूरी कवरेज आपको संत रामपाल जी महाराज जुड़ी हुई दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, कैमरा मैन आशीष कुमार के साथ। आप देख सकते हो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की जो बहुत सारी तस्वीरें हैं, उनके फोटोग्राफ्स वगैरह हैं जो यहाँ पर इनके स्टॉल पर लगे हुए हैं, और यहाँ पर उनके जो अनुयायी आते हैं और अपने फोटोग्राफों को यहाँ से ले जाते हैं। जो उनकी भक्ति सामग्री हैं वो भी यहाँ पर रखी हुई हैं। अपने कैमरा मैन से कहेंगे यहाँ की पूरी ये कवरेज दिखाएं, किस प्रकार का ये इनका भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें सारी सामग्रियाँ भी इनकी यहाँ पर कंठी माला आप कह सकते हो, जो सुमरणी माला है वो भी यहाँ पर रखी हुई हैं। उनके फोटोग्राफ वगैरह भी हैं, टेलीकाउंटर वगैरह बहुत सारी ऐसे लोकेट वगैरह भी हैं जो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर स्टोर पर उपलब्ध मिल जाते हैं। जो जहाँ सत्संग रामपाल जी महाराज का सत्संग जहाँ चल रहा है, वहाँ उस सत्संग स्थल पर हम आगे आ रहे हैं, और वहाँ किस प्रकार की उनकी व्यवस्था है ये आप देख सकते हो। यहाँ पर उनकी जलराम की पूरी व्यवस्था की गई है, यहाँ पर ठंडा पेयजल की व्यवस्था है। यहाँ उनके भगत आके जल अपने वीडियो मैन से कहेंगे जरा यहाँ की पूरी कवरेज दिखाएं, किस प्रकार की उनकी ठंडे जल की व्यवस्था भी यहाँ की गई है। जो दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं और जल पान की व्यवस्था पूरी है, यहाँ आके लोग अपना जल ग्रहण कर रहे हो। और आगे आप देख सकते हो यहाँ छोटी सी उनकी स्टॉल भी लगी हुई है, जो उनकी जो पुस्तकें हैं उनका प्रचार अपने स्टॉल लगाकर भी करते हैं, और जिसमें बहुत सारी उनकी ज्ञानगंगा पुस्तक, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, इस तरीके की पुस्तकें इनकी हर स्टॉल पर हर सत्संग में आपको नज़र आती रहती होगी। और ये उनके जो अनुयायी है, उनके सेवादार यहाँ बैठे हुए हैं, हम इनसे पूछते हैं सर ये किस प्रकार की पुस्तकें आपके पास हैं। ये धार्मिक पुस्तक है, और ये अपने सभी धर्मों के पवित्र पुस्तकों से प्रमाणित पुस्तक है। ये तत्व ज्ञान है जो मानव जीवन का ये मूल उद्देश्य के विषय में पूरी जानकारी देगा कि आखिरकार हमारा जन्म मृत्यु क्यों होती है और मोक्ष हमारा कैसे होगा, परमात्मा कौन है, कैसे कहाँ रहता है और किसने देखा है। सभी जानकारी, सभी प्रश्नों के उत्तर इस पुस्तकों में मिलेंगे। क्योंकि संत और असंत की लैंग्वेज में भी फर्क हो जाता है, भाषा भी अच्छी नहीं लगेगी आपको दूसरे जो बोल रहेंगे, चाहे कितना अच्छी आत्मा का आदमी हो, बहन हो, भाई हो, वो बोली बोले कोई ना जो हम यहां बोलते हैं। सत साहिब आजा बहन जी, आजा भाई बैठो, ईश्वर की चर्चा करना, हाँ जी, कितना विनम्रता आ जाती है, एक शिष्टाचार भी यहां सीखा जाता है। देखियो किस तरह ऋषियों की तरह बैठ जाती है छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बहन बेटी भाई, एक एक संकेत की आवश्यकता गुरुदेव की, जैसे एक ऋषि बैठ जाया करते हैं। तो ये शिष्टाचार, ये आपके पिछले पुण्य कमाई, प्रभु की रजा, जिसके कारण अब हमारे इस मन पापी की डोर जो वो पांख गणी लग गई थी, वो कटन लगी, अब ये आवश्यकता अनुसार रह जाएंगी, और प्रभु के चरणों में दिन रात आत्मा का एक विशेष खिंचाव बनता चला जाएगा। क्या बताते हैं, जैसे हम ओम नाम का जाप जपते थे, ओम नाम के जाप से भी बहुत सिद्धियां आ जाती हैं। कितनी सिद्धियां आ जाती हैं कि एक समय जो उनके सत्संग हैं उनको यहां अपने भक्तों को दिखाया जाता है, और वो पूरी सत्संग का यहां पर वचनों का पूरा आनंद लेते हैं, और अपनी जो भी कह सकते हैं अपनी आत्मा को तृप्त करते हैं।